जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग आपको बताने वाला हूँ, वो प्रयोग सभी के लिए है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि जब मैंने स्त्रियों के सौंदर्यकरण के बारे में जितने भी सावर मंत्र दिए थे, तब मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे कि भाई गुरुदेव, हमें भी आप ऐसे मंत्र दीजिए, सावर मंत्र, जिससे कि रूप सौंदर्य में निखार आए। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए ऐसा प्रयोग देने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है, ठीक है। ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और करने योग्य भी है। इससे पूरा शरीर जो है अजीब से आकर्षण से युक्त तो हो जाता है, और पूरा शरीर एक अनुपात के हिसाब से एक सांचे में ढल जाता है। जैसा शरीर होना चाहिए वैसा शरीर बन जाता है। उसका जो एक अल्हड़पन है, एक सौंदर्यकरण है, वो पूरे शरीर का होता है। उसमें चाहे बाल हो, चाहे आंखें हो, चाहे आकर्षण हो, चाहे रंग हो, रूप हो, किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो स्त्री करे पुरुष करे, इस प्रयोग को, इसको कोई भी कर सकता है। और ये साबर मंत्र है, तो आप जानते भी हैं कि भाई साबर मंत्रों की कितना उनमें तीक्ष्ण प्रभाव होता है, कितनी तीव्रता के साथ वो कार्य भी करते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसा ही एक प्रयोग मैं आपको देने जा रहा हूं, और उस प्रयोग को सभी करें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग प्रमाणिक है। इस प्रयोग को करने से आपका शरीर एक पूरे जैसा कि होना चाहिए, सुंदरता के रूप में जैसा शरीर सुंदर होना चाहिए, जैसा सुंदर लगेगा वैसा ही शरीर आपका बनेगा, ठीक है। उसमें आप के चाहे बाल हो, चाहे चेहरा हो, चाहे नाक नक्श हो, या फिर कैसा भी हो, आपके ऊपर एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग आपको शुक्रवार से करना है। और इस प्रयोग को करने के लिए जो आपको विशेष रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, उसमें दो रति गुटिकाएं होंगी और दो ही कामदेव गुटिकाएं होंगी, ठीक है, और एक जाप के लिए सौंदर्य माला होगी। ये तीन सामग्री आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण हैं, और ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, ऐसी सामग्री अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्रियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, इनके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि देखिए, आपको सामग्री जरूर मिलेगी, आप निसंकोच होकर के ऑर्डर करें। सामग्री आपको 100% आपके पते पर बाई कोरियर से आपको मिलेगी, और प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी, इसमें संशय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपकी कोई भी साधना बिना सामग्री के नहीं है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे साबर मंत्र दिए हैं, आप वो साबर मंत्र बिना सामग्री के ही हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो साधनाएं हैं, इन साधनाओं में विशेष रूप से सामग्रियों की आवश्यकता तो पड़ती ही है, और वो भी प्राण प्रतिष्ठित, क्योंकि आप बिना माला के जाप कर नहीं सकते, बिना माला के जाप सही होता भी नहीं है, ठीक है, एक नियम से होना चाहिए तो तभी वो ठीक भी रहता है। तो देखिए, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी भी शुक्रवार से सुबह के टाइम ये साधना करनी है। सुबह के टाइम एक ही समय पर साधना करें। मान लिया पहले दिन आपने 5 बजे साधना शुरू की है, तो फिर 5 बजे ही प्रतिदिन करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे, तो एक नियम टूट जाता है। वो नियम जरूरी होना चाहिए। आप इस साधना को करते हैं तो फिर 100% आपके लिए ये सौंदर्यकरण की महत्वपूर्ण साधना है ही। इसमें जो स्त्री हैं वो तो गुलाबी रंग या लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं, और जो पुरुष हैं वो लाल रंग के कपड़े धारण करके और इस साधना में आप बैठ जाएं। और देखिए, साधना करते वक्त आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए,
सामने जो चौकी लगी है आपकी, उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। लाल रंग का ही आपका आसन हो या गुलाबी रंग का हो, जैसा भी आपको लाल और गुलाबी में से दोनों में से मिल जाए वैसा ही आप यूज करें, ठीक है। और ये साधना आपको अपने पूजा घर में ही कर लेनी है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है इस साधना में। तो आप इस साधना के लिए जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं, तो अपने साधना कक्ष में आ जाएं और वहां पर बैठ करके चौकी के सामने, और जो सामने जो आपके चौकी रखी हुई है उस पर आपको क्या करना है कि एक तो आपको घी का दीपक जलाना है, शुद्ध घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती और इत्र जरूर होना चाहिए, लाल रंग के पुष्प हों गुलाब के, ठीक है। और फिर आपको क्या करना होगा कि जो उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके, और थोड़े चावल भी ले लें साथ में, थोड़ा पानी ले लें अपने पास ही, थोड़ा पानी भर करके रख लें छोटे से बर्तन में, किसी में भी गिलास में या किसी भी चीज़ में, और सामने अपने गुरुदेव की जो प्रतिमा है, जो चित्र है वो रखें, और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो फिर भगवान शिव की प्रतिमा सामने रखें। साथ में ही किसी सुंदर, जैसे कि नारी का या फिर कामदेव का ऐसा चित्र भी आप रख सकते हैं, आप नेट से निकलवा सकते हैं, कामदेव का और रति का दोनों का चित्र आप नेट से निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उस चित्र को आप रखिए। और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि धूप दीप जला करके और सामने एक प्लेट रख लें, और उस प्लेट में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और वो आपको केसर से बनाना है, ठीक है। भोजपत्र के ऊपर छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा ले लें और सामने ही उस भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर ही, और स्वास्तिक जो बनाते हैं वैसा आप बनाएं, और उस भोजपत्र को उसी प्लेट में रख दें। और ये जो बनना चाहिए, जो स्वास्तिक आप बनाएंगे, ये चांदी की सलाखा से आप बनाएंगे, ठीक है। चांदी की जो नुकीली सी कील होती है, चांदी की कील ले लें और उससे आपको ये बनाना है। और उसके ठीक सामने ही दोनों रति गुटिकाएं रख देंगे, और दोनों कामदेव गुटिका दोनों आप वहीं पर रख देंगे। और फिर आपको क्या करना होगा कि अपने गुरुदेव का सबसे पहले हाथ जोड़ करके आपको पूजन करना है, धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से, और केसर का आपको टीका लगाना है, और साथ में गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये संपूर्ण शरीर के सौंदर्य के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। करने के बाद फिर आपको एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। और देखिए, जो भी आपके गुरु हैं उन्हीं का आपको पूजन करना है और उन्हीं के मंत्र का आपको जाप करना है। चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है, और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये एक माला आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका आपको 21 बार जाप जरूर करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे जो आप साबर मंत्र सिद्ध कर रहे हैं वो साबर मंत्र सरलता से सिद्ध भी हो जाता है और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता है। तो जो साबर मंत्र आपको जपना है सर्वार्थ साधक, वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और ये प्रतिदिन आपको करना है। उसके बाद आप पूजन करेंगे कामदेव रति फोटो का, धूप से, दीप से, चावल से,
पुष्प से, और उसके बाद जो दोनों गुटिकाएं जो सामने रखी हैं उन गुटिकाओं का आपको पूजन करना है और उन पर केसर से तिलक आपको जरूर करना है। ठीक है, जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो सौंदर्य माला है उस माला से आपको मंत्र जाप करना है, और जो मंत्र जाप करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, नमो नमो अनंग को, रति को, 52 परियों को, 64 गंधर्वों को, सुलेमान सहा को, कहियो करे मेरे पिंड में वास करे और ऐसा रूप यौवन दे कि दुनिया पागल बने, जो न करे तो शिव को त्रिशूल, हनुमान की गदा, इंद्र को वज्र निर्धार पड़े। ये मंत्र आपको जपना है। ठीक है, और इस मंत्र का 21 दिन तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे, लगातार 21 दिन तक होना चाहिए, और 5 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है। ठीक है, और एक समय आपको भोजन करना है, अपने कानों में भी इत्र के फोहे लगाएं, इत्र भी आपको समर्पित करना है, और पूरा प्रयोग जब आपका पूरा हो जाएगा, जब आपका ये 21 दिन का प्रयोग 5 माला प्रतिदिन के हिसाब से आपका प्रयोग पूरा हो जाएगा, तो दोनों जो थाली में रखी हुई जो दोनों गुटिकाएं हैं, रतिराज गुटिकाएं और कामदेव गुटिकाएं, ये कमर पर बांध लें, तो उससे क्या होगा कि उससे आपका सौंदर्य में पूर्ण रूप से निखार आ जाएगा। और ये गुटिकाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण गुटिकाएं हैं, इनको 21 दिन आप बांध करके रखेंगे। ठीक है, और माला को अपने गले में पहन करके रखेंगे, जो जाप की माला है, और 21 दिन के बाद फिर आपको ये सारी सामग्रियां कहीं पर भी बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देनी है। ठीक है, और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तन से और मन से होना चाहिए। यम नियम के जो सिद्धांत हैं, जैसे कि झूठ बोलना, किसी के साथ ईर्ष्या करना, किसी को धोखा देना, ये सभी चीज़ों पर प्रतिबंध आपको लगाना होगा, क्योंकि आप साधना कर रहे हो तो साधना को साधना के हिसाब से ही करो। साधना में क्या होता है कि आपको सात्विक विचार रखने पड़ते हैं, सात्विक भोजन करना पड़ता है और सात्विक ही रहना पड़ता है, तभी साधना सिद्ध भी होती है। भोजन करेंगे एक टाइम, चाहे आप दोपहर में कर लो, चाहे शाम में कर लो, या सुबह में कर लो, एक टाइम आपको भोजन करना है, बाकी चाय दूध कितनी बार भी पी सकते हैं, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और साधना के समय अगर कोई भी आपको किसी भी प्रकार के अनुभव आए तो वो आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, उन अनुभवों को गोपनीय रखें, 21 दिन तक बिल्कुल गोपनीय रखें उसको। ठीक है, किसी को कुछ भी आपको नहीं बताना है, साधना करते रहें बस चुपचाप, और आप देखेंगे कि वास्तव में आपका शरीर पूरा निखरने लगेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।